वकीलों की मीटिंग के लिए तैयारियां हो रही थी। एडवोकेट अभिषेक राज ने मुझे बताया कि उड़ीसा के एक वकील थे जिनसे एक घंटे बहस हुई इस बात के ऊपर कि वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति का लीडर होना बहुत आवश्यक है, बाबा साहब जैसे किसी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। उन्होंने बताया कि एक घंटा लगभग उन्होंने बहस की। पहले ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आते हैं वो क्या करते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध हैं या सम्राट अशोक हैं या काशीराम जी हैं, बाबा साहब हैं या जितने भी हमारे महापुरुष आए हैं वो हैं, वो एक भूले हुए मार्ग को बताते हैं जो हमारा मार्ग सदियों से चल रहा है। उसको आज के समय में हम संविधान बोलते हैं जो पहले से चला रहा है। बाबा साहब ने वो संविधान लिखा है समता के आधार पर। व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक लोग उसके साथ लगते हैं, मगर जब व्यक्ति चला जाता है तो जो सिद्धांत पहले से चला आ रहा है वो सिद्धांत हमारा नेता होता है। जैसे बुद्ध जब चले गए तो बुद्ध के जाने के बाद उनके अनुयायी कहीं भागे नहीं बल्कि बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की वो बात मानी जब बुद्ध ने ये कहा था कि जब आपको मुझे देखना हो तो आप धम्म को देखना, मैं दिखाई दूंगा। यानी कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, जो धम्म दिया है वो बड़ा है। ऐसे ही जो कुरान किताब है, कुरान में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो उससे पहले, क्योंकि कुरान और जो बाइबल है ये यहूदियों की बाइबल या ईसा मसीह की बाइबल या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की जो बाइबल जिसको कुरान कहते हैं, ये एक ही किताब है, तीनों जो लगातार चली आ रही हैं। तो इन तीनों किताबों में जो एक ही किताब है ये, उसमें भी जो पैगंबर हैं यानी कि जो मैसेंजर हैं, जो मैसेज देते हैं, जो आए और जिन्होंने जानकारी दी वो चले गए और जो जानकारी वो देखे गए वो लिख दी गई, वो याद कर ली गई, वो काम आगे करती है। फिर जानकारी को लोग भूल गए तो फिर दूसरे पैगंबर मैसेंजर आए जिनको ईसा मसीह कहते हैं, उन्होंने फिर जानकारी दी, जानकारी देने के बाद वो चले गए, वो जानकारी आगे लोग उसको अडॉप्ट करते रहे, फिर लोग भूल गए, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसी परिवार से आए, उसी खानदान से आए, फिर उन्होंने जानकारी दी, वो किताब में आगे बढ़ी, अब उसको बंद कर दिया गया है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे। ऐसे ही जो गुरु नानक ने जो बताया वो सारे की सारी वाणी किताब में गुरु ग्रंथ साहब में है, उसके 10 गुरुओं ने लगातार बताया, उसके बाद उसको बंद कर दिया कि सारी जानकारी अब यही है, बदली नहीं जाएगी, अब यही चलेगी। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी बातें जितनी भी जो चली आ रही हैं पुरानी और जो लगभग सभी संतों से महापुरुषों से मेल करती हैं, मैच खाती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, वो सारी की सारी जानकारी उन्होंने संविधान में डाली। बाबा साहब चले गए मगर संविधान यही है, पूरी दुनिया के लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे देश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, उससे सीखते हैं। तो बाबा साहब चले गए मगर संविधान तो है, जो उनकी किताब है वो तो है, जो उन्होंने लिख दिया वो तो है, तो सिद्धांत वही है। तो इसलिए संविधान हमारा मार्गदर्शक है, संविधान ही हमारा डॉक्टर अम्बेडकर है, संविधान ही हमारे बाबा साहब हैं। संविधान में जो लिखा है अगर वो बात आप मानेंगे तो आप डॉक्टर बाबा साहब को मानेंगे, चाहे वो जिंदे हैं या नहीं है, संविधान के रूप में वो जिंदे हैं। इसलिए संविधान में जो उन्होंने प्रावधान दिया है अपने आप को गवर्न करने का, अपने आप को चलाने का, वो बड़ा स्पष्ट है। जब हम ये कहते हैं कि संविधान हमारा नेता होगा, संविधान हमारा नेता है, तो उसका मतलब ये है कि संविधान में लिखी हुई बात के हिसाब से हम लोग चलेंगे। उसमें व्यक्तियों के प्रावधान भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और वो इकट्ठे होकर कुछ लोगों को चुनेंगे जिसको कैबिनेट बोलते हैं, और कुछ लोग फिर एक व्यक्ति को या आगे सारे लोग एक व्यक्ति को चुनेंगे जिसको कहते हैं कि ये सारी चीज़ को चलाएगा, मगर नीति उसकी नहीं चलती, जो व्यक्ति है नीति चलती है सारे लोगों की, वही पास करते हैं। जब कोई एजेंडा आता है उसको संघ बोलते हैं, लोकसभा पास करती है। वैसे ही यहाँ जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं पूरे देश में समण समाज के, वो सारे लोगों में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे होंगे लोग, जब कोई बात आएगी तो वो आपस में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद में बहुमत से जो चीज़ पारित होगी वो बात मानी जाएगी, वही सबके लिए अच्छी होगी। ये ठीक संविधान की तरह चलेगा। कोई व्यक्ति अगर इसमें ऊपर आता भी है तो वो लोगों की मर्जी से आएगा, मगर उसके पास पावर नहीं होगी, क्योंकि संविधान में पावर सारी लोकसभा के पास है या बुद्धिजीवियों राज्यसभा के पास है। इसलिए लोगों का शासन, लोगों का शासन, पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, वही रहेगा।
अब तक जितनी लोगों ने संगठन चलाए हैं उन्होंने कभी संविधान को लीडर नहीं माना, बाबा साहब को लीडर नहीं माना, उन्होंने एक अपना अलग से संविधान बनाया है अपने संगठन को चलाने के लिए, जिसमें वो एक नेता चुनते हैं, एक 10-20 लोगों की बॉडी बनाते हैं, वो मनोनीत होती है, इलेक्टेड नहीं होती है, चुनाव नहीं होता उसका, वो अपने ही रिश्तेदारों को दोस्तों को घुमा फिरा के उसमें डालते रहते हैं और अपना ही कैशियर रखते हैं, लोगों का पैसा खाते रहते हैं। उन संगठनों से उस तरह के पैटर्न से रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि वो मोनार्की है, वो तानाशाही है, वो राजशाही है। और कितने कमाल की बात है कि ये सारे संगठन जो 10,000 से ज़्यादा बताए जाते हैं इनमें सब में राजतंत्र है, तानाशाही है, इनके जो मॉडल हैं, इनका जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलोकतांत्रिक है, जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है। मगर ये सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, अगर अच्छा होता तो रिजल्ट आता, अगर अच्छा होता तो सब लोग इकट्ठे होते, अगर अच्छा होता तो संविधान बचता, अगर अच्छा होता तो बाबा साहब का जो कारवां है पीछे चला गया है वो नहीं जाता, अगर अच्छा होता तो वो कारवां आगे बढ़ता, अगर अच्छा होता तो आज सारे लोग सुखी होते, अगर अच्छा होता तो लोगों को विदा पीपल में दोबारा से इकट्ठे होने की आवश्यकता थी क्या? इसलिए वो मॉडल अच्छे नहीं है। आप इस बात का यकीन रखिए कि हमारा नेता संविधान ही है और संविधान के अनुसार ही हम लोग गवर्न करेंगे। आपका इसमें यकीन है तो आप विदा पीपल में काम कीजिए, रहिए, आप में जितनी क्षमता है आप आगे बढ़िए, संविधान आपको आगे बढ़ाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं। और आप में अगर क्षमता नहीं है तो संविधान आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। और अगर आपको संविधान में आना पसंद नहीं है या बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं लगता है या उसके अनुसार नहीं चलना है तो आप आज़ाद हैं, भारत है, संविधान आपको आज़ादी देता है, आप जाइए जहाँ आपको लगता है, किसी के अंडर में जाके काम कीजिए, 10,000 संगठन हैं उनमें जाके ट्राई कीजिए, हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए, हो सकता है बाबा साहब का संविधान बच जाए, हो सकता है हम लोग बच जाएं, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो। धन्यवाद।